हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी ईपीएफ के मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईपीएफओ के पासबुक पोर्टल में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत तो परेशानी हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में उसी नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या चीज पासबुक पोर्टल पे बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आप सभी ईपीएफ के मेंबर्स को पता होना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों मैं आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले आया हूं और दिखा देता हूं कि ये जो अपडेट किया गया है, जो बड़ा बदलाव किया गया है, आप सभी ईपीएफ मेंबर को ये जानना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है। दोस्तों देख सकते हैं मेरा स्क्रीन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, हम आ चुके हैं ईपीएफओ के पासबुक पोर्टल में। जी हां दोस्तों, पासबुक पोर्टल में ही ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। 2022 का स्टार्टिंग में सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों, ये हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं पासबुक पोर्टल में आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देके आपको कैप्चा फिल कर लॉगिन पे क्लिक करना है, आप लॉगिन कर लेंगे इजीली। लेकिन दोस्तों यहाँ तक लॉगिन करने तक आपको कोई भी यहाँ पे आपको नया कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लॉगिन होते ही दोस्तों क्या यहाँ पे नया अपडेट किया गया उसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए मेरा ये लॉगिन हो चुका है दोस्तों, ये मेरा ही अकाउंट है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कोई भी नया अपडेट या फिर नया बदलाव नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अपना मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं, देखिए मैंने मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही आपको यहाँ पे अगर पासबुक आपको देखना है तो आप पासबुक यहाँ पे जैसे देखने के लिए जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक बदलाव हो चुका है। देख सकते हैं, डियर मेंबर, फॉर व्यूइंग मेंबर्स पासबुक फाइलिंग ऑफ ई नॉमिनेशन इज कंपल्सरी। यानी कि अगर आप पासबुक देखना चाहते हैं अपना, तो आपके पीएफ अकाउंट में अगर ई नॉमिनेशन फाइल नहीं है, पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है, तो आप अपने पासबुक को भी नहीं देख सकते हैं। पहले तो ऐसा दिया गया कि आप एडवांस क्लेम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अब पासबुक भी आप नहीं देख सकते हैं। दोस्तों ये जो पासबुक पोर्टल में बदलाव किया गया है, इसका डायरेक्ट यही मतलब दिया जा रहा है कि ई नॉमिनेशन बहुत ही मैंडेटरी है। आप अगर ई नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो बहुत सारे सुविधाओं से आपको वंचित रखा जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हम पासबुक यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि ई नॉमिनेशन करने जाएंगे तो वहां पे ई नॉमिनेशन हो ही नहीं रहा है। ईपीएफओ का वो जो साइट है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल, वो ऑलरेडी एक सप्ताह से दोस्तों स्लो चल रहा है, चल नहीं रहा है, एरर दे रहा है। कभी आधार का ओटीपी का एरर आता है, कभी कुछ एरर आता है, यानी कि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहां से ये तो कंफर्म हो गया है कि ई नॉमिनेशन आपको बहुत ही जरूरी हो गया। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो अपने नॉमिनी को अपने पीएफ अकाउंट से ऐड कर दीजिएगा। ईपीएफओ आपको यही समझाना चाहती है। सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि ईपीएफओ पासबुक पोर्टल में ये बदलाव कर दिया जा चुका है ईपीएफओ की तरफ से, कि आप सभी लोगों को अगर पासबुक चेक करना है तो आपको आपके नॉमिनी को अपने पीएफ अकाउंट से लिंक कर देना होगा। कैसे किया जाता है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं, पता चलना आपको करना है कि कैसे नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, तो आई बटन पे लिंक दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। लेकिन दोस्तों अभी वो जो साइट है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा है। आप वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन जब साइट सही हो जाएगा, कुछ दिन में हो ही जाएगा, अगले एक दो दिनों में हो सकता है ये साइट सही से जैसे पहले काम करता था ठीक तरीके से वैसे हो जाएगा, तो उस समय आप अपने पीएफ अकाउंट में अपने नॉमिनी को ऐड कर लीजिएगा। वहां पे आपका नॉमिनी का डिटेल डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका जो नॉमिनी है उनका बैंक अकाउंट लगेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट का डिटेल लगेगा। तो वो सब आप अपने पास रखिए और अपने नॉमिनी को ऐड कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी अभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि पीएफ के पासबुक पोर्टल में क्या बदलाव किया गया, क्या आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पासबुक नहीं देख सकते हैं, क्लेम आप एडवांस क्लेम आप नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो काम है दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे। और नॉमिनेशन के भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, तो आप नॉमिनी जरूर ऐड कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस आप लोगों को इसी नए अपडेट के बारे में बताना था। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा दोस्तों, तो आप चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का यूजर आईडी यहाँ पे दिख रहा है, जाके सर्च करके मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपना सवाल वहां पे भी पूछ सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।